हेलो भाई, मैं अरुण पवार। आज हम बैठे हुए हैं सेठ जी के पास। अभी उनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। अभी किस दुकान पे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, वो मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। ये ऐसे डिब्बे आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, आप गैस करो। मैं तो नहीं कर पा रहा। मैं कैमरा घुमाऊं, अगर नहीं कर पा रहा तो आपको फिर पता चल जाएगा कहाँ पे है। करके दिखाओ, आप किस सेलिब्रिटी के साथ में बैठे हुए हो। बहुत बड़े सेलिब्रिटी। इंट्रोडक्शन दीजिए उनसे हमारा। अभी करवाते हैं ये। टन 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 टन। अरे ये तो भैया कपलर टू कपलर है। हाँ, पहचान गए। पहचान लिया हमने भाई। ये लड़का मेरे से कहता था निक्कू भाई कि निक्कू भाई, जब आप वीडियो बनाते हो आप दोनों, पार्किंग, कभी मेट्रो स्टेशन, कभी पेड़ों के नीचे, इनकी कोई दुकान वुकान है नहीं है। तो आज इसलिए मैं स्पेशल इसको ले आया कि भाई सेठ जी बन के बैठते हैं अपनी दुकान में, कोई वेलकम ले रहा हो। एक गोदाम है, एक ऊपर है और एक गोदाम है। कितना रेंट देते हो भाई? करोड़ों में सबको आइडिया ही होगा कितना रेंट है। लाख तो जाता है। लाख तो है भाई, देख लो। अभी मेन आज इस वीडियो में खास क्या दिखाने वाले हो? दुकान तो हमने मस्त बनाई रखी है, ये बताओ आप कार कौन सी है? कार है हुंडई क्रेटा। अभी बहुत ट्रेंड में चल रही है भाई ये वाली गाड़ी। इसके साथ ट्रेंड में एक और चीज चल रही है ना, वो है ट्रेडिंग। अभी ट्रेडिंग से मेरे को एकदम याद आता है ओलिमिटेड। अगर आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता ना, तो ओलिमिटेड का यूजर इंटरफेस इतना आसान है कि आप आराम से यहाँ पे ट्रेडिंग सीख सकते हो। प्लस इनके पास दुनिया भर के तो एसेट्स हैं, यूथोरियम, बिटकॉइन, यूएस स्टॉक्स, आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हो। प्लस अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक और पिंड कमेंट से डाउनलोड करते हो तो आपको मिलेगा 100 के न्यू डेमो अकाउंट। साथ में अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको मिलता है 30% बोनस ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। और अगर आप अपना टॉपअप करते हैं अपने अकाउंट को तो आपको यहाँ पे गिफ्ट लूट बॉक्स भी मिलता है। और इनके पास कस्टमर सपोर्ट, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो इनके पास 24/7 आप कुछ भी पूछ सकते हो इनसे, सब कुछ आपको समझा देंगे। तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, अभी साइन अप करें ओलम ट्रेड पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं ट्रेडिंग में। दीरे एक बात कर, एक कहां गया तू? वाइपर वाला डब्बा उतार के लिया, सीसा वाला खाली? नहीं, मैनेजर रख रखे हैं, बताओ। चार मैनेजर हैं और बाकी कितनी टीम, कितनी बड़ी है? 30 मेरे पूरे मैनेजर, हम लोग को लगा के 40 आदमी। 40 आदमी है। अच्छा, आज की इस वीडियो में आप एक्सेसरीज दिखाओ, क्या क्या नई एक्सेसरीज कुछ दिखाओ भाई। जैसे कस्टमर का डिमांड होता था कि पहले कंपनी से जो हैंडल लग के आते हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम क्रोम चिपका देते थे पहले। कस्टमर का डिमांड था कि ओरिजिनल हैंडल लाओ। हाँ, ये किस कौन से वेरिएंट में आते थे? ये तो बेस में आता है। नहीं, उसमें तो वही आता है, अच्छा है, ब्लैक कलर की गाड़ी, जो कलर की गाड़ी होती है उस कलर का हैंडल होता है। तो डिमांड था कि जैसे हैंडल लाए, तो ये हैंडल हमने टॉप मॉडल वाला जो लग के आता है वो लेके आए। अच्छा, ये पूरा रिक्वेस्ट सेंसर भी आता है, लेकिन अगर बेस ग्रेड में कोई लगवाएगा रिक्वेस्ट सेंसर का तो कोई वो ही नहीं है। नहीं, सेंसर चालू नहीं होगा। जैसे अब होता है ना कि हम इसके ऊपर क्रोम लगा देते हैं, हाँ, तो फिनिशिंग वो नहीं आ पाता है उनके लिए। हाँ, जो ओरिजिनल चेंज करवाने के लिए ये था। उसके बाद हम यूएसबी जो ओरिजिनल लगाते थे, तो कारण था कि ओरिजिनल यूएसबी लेके आओ। कौन सी यूएसबी कह रहे हो? जैसे चार्जर पॉइंट नहीं होता है बेस मॉडल में, नहीं होता, ठीक है, तो उसके लिए हमने ओरिजिनल यूएसबी भी लिया है। ये उसका ब्रैकेट है। अच्छा, पहले आप काटते थे वो पहले काट के लगा देते थे। अब ये जिनका आप लगा चुके हैं उनका क्या, वो भी तो मिस करते होंगे ये सारी चीजें। उस समय नहीं आता तो चेंज हो जाएगा, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि प्लास्टिक तो पूरा वो हट के ही लगेगा। जिसमें हम काट के लगा रखे हैं वो तो प्लास्टिक हट के ही लगेगा, ये तो लगाना ही लगाना पड़ेगा, वो तो वो नहीं आएगा। इसका यूएसबी है जैसे कंपनी से आता है ओरिजिनल हुंडई का, ठीक है। उसके बाद अपने पास टॉप मॉडल में ना जो हैंडल के पास जो लाइट होता है टॉप मॉडल में आता है, जैसे वो लाइट भी आ चुका है जो सनरूफ के साइड में, सनरूफ के साइड में जो होता है जो टॉप मॉडल, वो भी बेस मॉडल में लग जाएगा। तो बेस में कैसे लगेगी? काटनी पड़ेगी छत, जगह हो छत पे जो कटिंग का जगह होता है, जैसे हम सनग्लास होल्डर लगाते हैं तो जगह होता था, तो ऐसे इसका भी जगह होता है। अच्छा, हाँ, तो ये हम लगवा सकते हैं। और कनेक्शन वहाँ पे वायरिंग होती है? हाँ, वायरिंग नहीं, वायरिंग हमारे कपलर बनाना पड़ेगा ना। अच्छा, जो सनग्लास के होल्डर से कपलर बनेगा, जैसे पहले सनग्लास होल्डर के लिए भी वायरिंग नहीं होता है, उसका वायरिंग हम ओरिजिनल हुंडई का डालते हैं, उसमें से वायरिंग बनाया जाएगा। कितने की लाइट है ये, कोई डलवाना चाहे? एलईडी एलईडी का कॉस्ट एमआरपी पे बेचते हो आप भी? हाँ, मेडिकल स्टोर की तरह सामान है। हाँ, नहीं, इस पे डिस्काउंट देता हूँ ना 15%। हाँ, 15% भूल गए क्या? 5 से 10, 10 से 15। अरे वाह, ये जैसे है ना एमआरपी इसका, ये लाइट 3888 रुपए की है लाइट। लाइट, हाँ जी, तो दो लाइट को लगवाएगा वही 6000-7000 रुपए ले जाएगा उसी में। अच्छा, और उसके अलावा ये वाइपर दिखाना चाहता हूँ, जो कस्टमर का पहले डिमांड था कि निकू भाई पीछे का वाइपर चालू करो, वाइपर चालू करो। हाँ, जब मैं वाइपर ले आया तो कोई डिमांड ही नहीं आ रहा, इसलिए मैंने वाइपर दिखाना होगा। कहाँ पे वो वाइपर ला रहा है? ला रहा है, ला रहा है ऊपर वेयर हाउस में से जो भाई का। ये तो बस एक ऐसा छोटा मोटा सा रख रखा है डिस्प्ले के लिए ना, इनका पूरा स्टॉक तो ऊपर रखा रहता है जहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाती है। और ये क्या क्या आ रहा है?
सोर्स क्या है आपका, कहाँ से सोर्स करते हो? पूरा हिंडई का प्लांट चेन्नई से डायरेक्ट मंगवाते हो क्या आप? नहीं नहीं, चेन्नई से नहीं। देख ना भाई यार, ये सारा कुछ, सारा कुछ, ये लाइटर से लेके छोटी छोटी चीजें, ये आ चुकी है भाई वो स्पेशल चीज, इसके अंदर है ग्लास। अभी वो वाइपर के लिए ना पूरा ग्लास ही चेंज करना पड़ेगा, इसमें डिफोगर भी होगा ना। हाँ, डिफोगर भी होगा। हाँ, तो सर कनेक्शन कैसे करते हो, क्योंकि जो वाइपर वाला नोब है उसमें ही नहीं है उसका, तो वाइपर वो सारा जगह जो होता है ना। हाँ, वो नोब भी लगता है। हाँ, मोटर भी लगता है उसमें, चार पांच चीजें लगता है उसके अंदर वो ग्लास। वैसे अगर आपका कभी टूट जाए तो लगवा सकते हो इसको यार, वो मस्त चीज है। जैसे शीशा है ना। हाँ, यहाँ पे तो वाइपर का फिटिंग दिया हुआ है कंपनी से। हाँ, इसलिए पूरा चेंज होगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम गाड़ी में बता देंगे कि नोजल कहाँ पे लगता है, ठीक है। वो ये वाइपर रहा, इसका क्या क्या प्राइस है इसका टोटल? इसका 799 रुपए, माने पूरा वाइपर फिटिंग उटिंग करके मोटर उटर पूरा लगा के लगभग 21,000 रुपए का खर्चा है। 21,000 रुपए वाइपर और डिफोगर और सारा चीज, सारा कुछ आ जाएगा, सारा चीज चेंज हो जाएगा। जैसे हम मोटर से चालू करते हैं, नहीं कि अलग से स्विच लगा दिए तो वाइपर का, जैसे ओरिजिनल टॉप मॉडल में आता है ना। हाँ, सेम काम करेगा, सेम वर्क करेगा। वायरिंग ओरिजिनल हुंडई का ही डलता है, वायरिंग भी डलेगा, आगे मोटर भी डलेगा, पीछे भी मोटर डलेगा, तब जाके चालू होगा। ये वाइपर का डिमांड था, तो अपने पास अवेलेबल है, मतलब क्रेटा के ए से लेके जेड तक सामान अवेलेबल है। उसके लिए है ये चीज? नहीं, सेल्टोस के लिए वाइपर का नहीं है। ये निकू भाई की ओवरऑल शॉप। अभी जो कार कौन सी है, आ जाओ आप, आइए सर। ये है Hyundai क्रेटा, Hyundai क्रेटा के फुल एक्सपर्ट हो रखे हैं। आज इस कार में कुछ अलग काम करा है। सबसे पहले तो मेरे को ये नजर आ रहा है बम्पर क्या अलग सा कर दिया इसमें भाई, व्हाइट कलर का। इसमें डिफ्यूजर लगा हुआ है, आउटर मार्केट आता है। हमने फ्रंट ग्रिल चेंज किया जो ओरिजिनल है। इसके बाद जो डिफरेंस लुक है, जो इसके अंदर जब हम पहले फोक लैंप लगाते थे, जिसके अंदर IPH का, जिसको थ्रो चाहिए, रोशनी चाहिए, तो इसके अंदर हमने IPH का प्रोजेक्टर लगाया है। HID लगाया है, वो भी ब्रांडेड, क्या नाम है, ओसराम का। अच्छा, ओसराम का। हाँ, कहाँ से आई है गाड़ी? ये गाड़ी यूपी से है। ये यूपी के पता नहीं कहाँ, मुर्दावा, रेनूपुर, पता नहीं कितने दिन में काम कर देते हो आप ये? एक गाड़ी में लमसम 2 दिन लगा है। इसमें 2 दिन लगा? दो दिन। अच्छा, ये है इसके पूरी निक्कू भाई की ना पूरी दुकान है, मेन मार्केट से है ना, यहाँ पे है निक्कू का डेकोर। निक्कू भाई यार, डेकोर में ये थोड़ी आता है। आपको प्रिंटर ने बोला नहीं क्या? नहीं, लगा दिया कोई बात। डेकोर को DECOR लिखते ना। हाँ, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट बोर्ड। अच्छा, आगे और इसमें जो हमने इसमें 17 इंची का हल्का जड़ वाला लाइट भी लगाया। हाँ यार, ये बड़ा तगड़ा लग रहा है, मतलब उससे भी तगड़ा लग रहा है। 17 इंची भी अवेलेबल है, 18 इंची भी अवेलेबल है। देखो ओवरऑल लुक दिखाता हूँ मैं आपको। ये ओरिजिनल Hyundai की है, Alcazar में आपको पता होगा, वैसे 18 इंचेस का आता है, लेकिन बेस ब्रांड जो उसका आता है ना प्लेटिनम, या वो सिग्नेचर में आते हैं 18 इंचेस के लिए, प्लेटिनम है, उससे नीचे वाले में आपको 17 इंचेस के ये मिलते हैं। Yokohama के टायर डाले हैं। कितने टोटल कॉस्टिंग क्या है अलॉय व्हील की इनकी? 17 टायर लेके और एक टायर अलॉय व्हील लेके 55,000 ₹55,000 Yokohama का टायर। एक मिनट दिखाना, इसकी प्रोफाइल क्या है? 15,60,70,000 वही है जो क्रेटा में अपने को देखने को मिलती है। अच्छा, और इसके बाद क्या करा है? जो मेन हम बात बता रहे थे हैंडल का, जो हम पहले बोले थे ना, पहले क्रोम चिपका देते थे, ये हैंडल का फिटिंग हो चुका है इसमें। अच्छा, जो जेन्युइन वाला हैंडल। इसका प्राइस नहीं बताया आपने? इसका MRP भी 15% डिस्काउंट। कितना है तो MRP? एक हैंडल का MRP लगभग 800 रुपए का। एक हैंडल का 3200 पे 15% डिस्काउंट। सही है, ठीक है। जो आप लोअर गार्निश कस्टमर का डिमांड था, ओरिजिनल Hyundai का ही काम करवाना है, तो इसमें लोअर गार्निश का जो क्रोम लगाया गया वो भी ओरिजिनल Hyundai का ही है। अच्छा, इसके बाद जो साइड बिटिंग लगाया गया है वो भी ओरिजिनल Hyundai का ही है। आउटर मार्केट इसका कॉपी आता है, तो जंग लग जाता है। गारंटी अगर ओरिजिनल Hyundai पर लग गया तो चेंज करके नया पीस। इसमें तो डिफ्यूजर आ गया, बैक का जो आता है इसका लुक है बैक वाले का। अच्छा, ठीक है। इसके अंदर हमने रिफ्लेक्टर लगाया है। अच्छा, जो आउटर मार्केट आता है, जो ओरिजिनल Hyundai प्रोडक्ट नहीं होता। अरे, इसने लाइट नहीं बदलवाई इस कस्टमर ने? भाई ने लाइट का काम छिड़वाना ही नहीं था। इसके अंदर हमने रूफ में लगाया है। इसके बाद ओरिजिनल शार्पिन एंटीना ब्लैक कलर का, जिसकी MRP है 3,999 विद 15% डिस्काउंट। हाँ, वो MRP पे डिस्काउंट है। ये ओरिजिनल आइटम कोई भी लो, चाहे वाइपर लगवाए, कुछ भी लगवाए, कुछ भी। हमने इसके अंदर एक बूट लाइट, अच्छा, जो ओरिजिनल Hyundai का जो आता है। ओके, ठीक है, क्रेटा का। इसके बाद बूट मैट, उसके बाद पार्सल ट्रे, ओरिजिनल Hyundai का ही सामान। अभी मेन वर्क जो है ना इस कार के अंदर, वो है इसके इंटीरियर से। आप इंटीरियर देखोगे तो थोड़ा सा अलग तरीके का निक्कू भाई ने इसमें करा है, जैसा अपनी कार में इन्होंने करा था ना, उस कलर का करा है। क्या बोलते हैं भाई इस कलर को? नहीं, हम अपने कलर, हम अपने गाड़ी में जो कर रहे हो तो मैंगो सेट कलर किए थे। अच्छा, ये अलग है। हाँ, ये टेन कलर है। ये टेन बोलते हैं इसको? हाँ, ये टेन कलर है। अच्छा, ये देखिए टेन कलर की फिनिश, और यहाँ पे वुडन फिनिश भी करवाई कस्टमर ने, और ये लेदर जैसे होता है ना, कि लेदर भी होता है। दो तरीके का इंटीरियर होता है, एक होता है डिपेंट का, एक होता है लेदर बोर्ड। ये डिपेंट वाला है।
अच्छा मतलब लेदर कुछ इस पे लेदर उधर कुछ नहीं लगा। अच्छा जो कंपनी का आता है बीच कलर का उसको आपने ऐसे कलर में भेज दिया और दोबारा से चिपका दिया है। ये पेंट वाला है जैसे मैंने अपनी कार में किया था। अच्छा ये रिकमेंड करते हो आप ये लेदर वाला चढ़वाना? देखिए अगर कस्टमर के पास टाइम है, बजट अच्छा है, अच्छा काम चाहते हैं तो पेंट वाला। अगर उनको नहीं जल्दी में गाड़ी चाहिए, बहुत कस्टमर ये भी कहते हैं कि मुझे पेंट वाला काम नहीं करे, लेदर वर्क कराना है, कल को मैं हटा सकता हूँ। जिनको लंबा लुक माने परेशान नहीं होना है, एक बार करवा के छुट्टी, तो पेंट वाला काम करता हूँ। इसके अलावा एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ पे लगाई है, वो एम्बिएंट लाइटिंग ओरिजिनल हुंडई का है। हाँ यार ये ओरिजिनल सही लग रहा था मेरे को भी बैठ के। अभी एक बार रुक जाओ दिखाता हूँ। सुहास हेलो, एक बार ये ओरिजिनल हुंडई का है, हुंडई की वो भी आने लग गई है। हाँ एम्बिएंट लाइट है ओरिजिनल। तो ये कितने की आती है? यही एमआरपी है इसकी, एक साइड का 2000 कुछ एमआरपी है। जैसे एक साइड का 3000 3100 हो गया और 2100 के आसपास उसका एमआरपी। बस दो साइड आता है, ये यहाँ पे छोटी सी आती है और यहाँ पे ये। पर इसका ये रिलायबल रहता है कि ये खराब नहीं होगा कभी, कभी नहीं खराब होगा। और लुक भाई देखो, बाहर से हम लगा देते हैं ना, चाहे हम ही लगाते, कोई कस्टमर लगवाते जैसे सस्ता के चक्कर में, तो क्या होता है बाहर से ना ऐसे करके पत्ती सी होती है एमबीएन लाइट को लगा देते हैं। दिन में आपको दिखेगा, लाइट जलाओ या ना जलाओ, वो पत्ती जो व्हाइट पाइपिंग होती है वो दिखता है। इसमें आपको लाइट भी बहुत प्यारा लग रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कोई भी वायरिंग कटिंग नहीं है, चाहे कस्टमर अपने सामने में आगे करवाए। बहुत आजकल के बच्चे सब छोटे छोटे दुकान खोल के कहते कपलर टू कपलर, कुछ कपलर टू कपलर नहीं, वायर काटा जाता है, कस्टमर देखने थोड़ी दूर जाता है, दो मिनट तक जब डन होने तक रहते हैं साथ में, उसके बाद वो इधर गए, कोई किधर गया, काम हो गया। ऐसा नहीं है काम, ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे पास ही आओ, अच्छे दुकान पे जाके काम कराओ जहाँ पे सामान मिले, दिखने के लिए आइटम मिले। हाँ जी ये स्टूडियो है, हाँ जी है, फोन किए वहाँ चले गए, ऐसा नहीं। आओ दुकान, वैरायटी देखो दुकान में, समझो ये वैरायटी देखो, हाँ देखो है। पास, मैं ये नहीं कहता कि हर गाड़ी का अपने पास है सामान, हर गाड़ी का मिल जाएगा। जैसे क्रेटा, सेल्टोस, सोनेट, मैग्नाइट ले लो, पंच ले लो, सारे सामान अवेलेबल है उसका। ब्लू पंखा स्टूडियो, ये नया मॉडल आया है, इस सेंटर हो जा 980, पहले तो किलार को आता था जिसकी रैम होता था 2GB रैम 16GB इंटरनल, ये नया मॉडल आया, इसका रैम है 4GB रैम 32GB इंटरनल। अगर आपको एंड्रॉइड में जाना तो ये कंपनी ठीक है, ब्लू पंक है ना। हाँ, ब्लू पंक चाइनीज अच्छा है। और इसमें भी ब्लू पंक पहले नहीं बनाता था, 4/32 का कोई मॉडल नहीं निकालता कोई भी बनाने, तो अब नया मॉडल जो निकाला है उसका 4GB रैम 32GB। कितने का है ये वाला? 28,500 रुपए का। भाई बड़ा महंगा यार। अब भाई मैं बता दो, 2GB रैम 16GB इंटरनल 19,000, 19,500 का था। अच्छा वो 19 का था? 19,500 का था, तो ये ठीक है। फिर तो आप 4GB 32GB तो ये ठीक है। अब चाइनीज प्रोडक्ट भी लेते हैं, कोई भी ब्रांड अगर आप लेते हैं तो उसका भी 4GB 32GB 24,000-25,000 रुपए का मिलता है। सही कह रहे हो, तो इससे अच्छा तो ब्रांड में ही जाने में फायदा। बिल्कुल, इसमें कैमरा वैमरा भी लगा दिया, ब्लू पंखा ही कैमरा लगाया, ब्लू पंखा 05 कैमरा लगाया, कभी खराब तो नहीं होता ये? गारंटी चीज के नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसकी सर्विस सेंटर, आप कोई भी कस्टमर बाहर से आते हैं तो अपने शहर में भी ले सकते हैं सर्विस। इसका बूटन का टोन यहाँ पे दिया गया, ये गुलाबी गुलाबी साई संतरी संतरी सब भाई ने कर दिया है। ये देखो पूरा का पूरा डिपेंट है ये वाला ना, ये तो अपना लेदर लेदर है, ये थोड़ा सा अलग तरीके का करा है। निको भाई कोई भी प्रिंट कर सकते हो कि कोई अपना नाम वाम लिखवाना चाहे अपने पार्टनर वार्टनर का? और डिजाइन देखो ना, डिजाइन ऐसे बन जाएगा, इससे भी खतरनाक डिजाइन बन जाएगा। तो इससे भी खतरनाक? हाँ हाँ ठीक है, स्टीयरिंग रैप के मामला में जैसे भी डिजाइन लेते हो वैसा बन जाएगा। ठीक है ना, ये तगड़ा लग रहा है। क्रूज कंट्रोल भी लगा दिया आपने? स्टीयरिंग कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, ये तो कॉमन चीज है, सनग्लास होल्डर। हाँ ये तो इधर का एक साल हो गया लगाते लगाते थक चुके हैं इसको। ये पिलर थक गए, इतनी जल्दी थक गए? मतलब लगाते लगाते उसको बता, हर वीडियो में बताना ऐसे बोलो ना, यूनिक यूनिक काम दिखाना है। जैसे एम्बिएंट लाइट मैंने फर्स्ट बार लगाया हूँ अभी, जो अपना जो लाइट के बारे हम कर रहे थे, जो लाइट दिखाया गया तो यहाँ पे जो लगता है। अच्छा हाँ मैं समझ गया, यहाँ पे जगह है, जगह है कटने का, जगह है वहीं पे कट के जगह लगता है कस्टमर। इसमें यहाँ पे है देखो, अगर लाइट है तो टॉप मॉडल में भी आता है वहाँ पे। उसमें क्या नहीं, वहाँ पे सनरूफ है ना, इसलिए वहाँ देना पड़ता। तो अगर जैसे बोलते हैं ना कि मुझे चाहिए ज्यादा लाइट चाहिए, किसी को रोशनी रोशनी चाहिए, तो उसके लिए है। इसके बाद मिरर फोल्डिंग, वहाँ जो बटन, हाँ बटन जो काट के लगाया गया है, ये देखिए इस तरीके से बटन दबा के फोल्ड अनफोल्ड हो जाता है। चाबी पे भी आप कर सकते हो, तो नॉर्मल है। भाई टोटल खर्चा बताओ पहले मेरे को इस कार का। इस कार का टोटल खर्चा 2,00,000 रुपए। 2,00,000 जिसमें क्या किया? इंटीरियर है, इंटीरियर है, अलॉय व्हील है, म्यूजिक सिस्टम है, जितने भी एम्बिएंट लाइट है। 2,10,000, 2,15,000 जाके पूरा मेन खर्चा है। स्टीरियो अलॉय है, सब कुछ इंक्लूडेड है। हाँ सब कुछ इंक्लूडेड है। स्पीकर है, डंपिंग है। सबसे बेस्ट तो मेरे को देखो अलॉय व्हील लगे हैं आज की वीडियो में, मैं आपको बताऊं सबसे तगड़े। हाँ इंटीरियर,
मेरी चॉइस नहीं है यार इस कलर की। अच्छा, तो कोई कलर तो भाई मैं कलर, हाँ, कलर कोई और हो सकता है। 50 कलर है अपने पास, कलर कस्टमर का डिमांड हो, कोई भी कलर कराना चाहते हो वो कलर होगा। ऐसे काम करवाने के उनको 2 दिन का टाइम लेके आना होगा, चाहे जहाँ से भी आप आते हो। इसके बाद पीछे मेन चीज आमरेस्ट का देखा। चलो यहाँ क्रेटा की इसका प्लेट भी लगाई है, ये पीछे की इस तरीके की क्वालिटी आपको मिलती है। और ये आमरेस्ट है जो भाई ने सीट काट के लगाई है। यार निको भाई एक चीज कहूंगा, देखो यार ये वाला अच्छा लग रहा है आपका। आपने पुरानी वो उसमें करा था मैग्नेट, उसमें इतनी फिट एंड फिनिश नहीं थी। हाँ, मैग्नेट, हाँ। देखिए मैं बता दूं, मैग्नेट की सीटें होती हल्की, ठीक है, हाँ। उसकी सीटें की चौड़ाई भी इतनी लेंथ भी नहीं होती। हर गाड़ी का अपना होता है। क्रेटा में अगर आप कोई बता दें कि बाहर तक किया हुआ है, वही तो मतलब फिट एंड फिनिश देखो अच्छी लग रही है इसमें ये, पर ये है थोड़ा डुक मार के बंद करना पड़ता है। वो तो आपको पता है, जो कट का ओरिजिनल कंपनी वाला तो फीलिंग हो ही नहीं सकता। अगर वो लेना है तो सीटें चेंज करवाइए। अच्छा, सीट भी आपके पास है? सीट भी अवेलेबल है। 36,000 का है खाली बैग, बैग आमरेस्ट वाली जो दो भागों में खुलता है आमरेस्ट होती है। 36,000 का बैग बैग है। अच्छा, 60-40 स्पीड वाली, उस पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा। थोड़ा टाइट सा खोलना पड़ता है, लेकिन अभी नया नया लगा धीरे। और वीआईपी की फील आती है इसमें। इसके बाद एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, इसमें पहले फ्लोरिंग आता था दूसरे टाइप का, 90 फ्लोरिंग आ गया। कोई मैच इसको हटाइए, गीला कपड़ा मारिए और साफ। पहले वो डिब्बी डिब्बी से लोग होती थी, अब टेप वाला सिस्टम आ गया। टेप वाला सिस्टम हो गया, 90 मैच फ्लोरिंग है। पहले हम लोग फ्लोरिंग करते थे ना, जो पीवीसी का पहले नीचे करते थे, ये 90 फ्लोरिंग हो गया। 70 के लुक में 90 फ्लोरिंग आ गया, कोई मैट नहीं इसके नीचे, डायरेक्ट कपड़े का। ये तो हमने पूरा मैचिंग कर दिया, मतलब ये भी ऐसे यूसी कलर में कर दिया। ऑर्डर पर 2 दिन टाइम दोगे तो सब चीज हो जाएगा। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो मैं इस गाड़ी में जो मैं काम कर रहा हूं, सीट कवर की फिटिंग, इसका फिटिंग यहाँ से ओरिजिनल ना जेन्युइनली बढ़िया है यार। इसमें कहना पड़ेगा आपने इस गाड़ी में तो बहुत मेहनत सी कर रखी है, एकदम मस्त। मतलब ये देखो क्वालिटी अच्छी लग रही है ना, उसके ऊपर बढ़िया लग रहे हैं। उसके बाद अरुण भाई उधर से उठाना, ये लॉक उठाना है। हाँ, ये देखो ओरिजिनल कारपेट जैसे कंपनी से आता है। हाँ, वरना इसमें वो दिखते हैं वो पेच 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 से। बहुत बंदे मार्केट में काम करते हैं, धागा यहाँ से धागा बांध दिए, ऐसे लगा दिए, कहते हैं सीट कवर लगाता हूँ। तो ये नहीं है कि क्वालिटी अगर लोगे तो क्वालिटी भी मिलेगा, सस्ता चाहिए तो सस्ता भी मिलेगा। हाँ, बढ़िया काम करवाना तो बढ़िया भी होगा। ये नहीं कि 2 लाख रुपया लग गया, ज्यादा हो गया, ये नहीं कुछ है। तो क्वालिटी वाइज काम भी हुआ है। ये सीट कवर 5,000 का भी लगता है, सीट कवर 9,000 का भी लगता है, सीट कवर 6,000 का भी लगता है। ये कितने के हैं सीट? ये सीट कवर 9,000 के रेंज का। क्वालिटी कपड़े की क्वालिटी से लेके जब तक गाड़ी रहेगी तब तक की गारंटी इस कपड़े की, लेकिन दूंगा 5 साल की, लाइफ टाइम नहीं दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो। इसके बाद अपने पास पीसे का, जैसे हम ये लगाए ना यूएसपी ऑटो मार्केट वाला, ये ओरिजिनल पीस में जैसे देखिए ये है ना गैप, ये पूरा खोल के चेंज हो जाएगा। ओरिजिनल यूएसपी अपने पास है। अच्छा, आ चुका है। ये अल्पाइन का आर सीरीज का कंपोनेंट है, 100 आरएमएस का। अल्पाइन का सबसे हाई रेंज सीरीज का है, 300 वाट का है, 100 आरएमएस का है। कितने के स्पेसिफिकेशन नहीं जानने? 15,000 रुपए का कंपोनेंट एक डब्बा, तो 30,000 रुपए के। 30,000 रुपए के स्पीकर। अच्छा, इसके बाद ये ब्लो पंक का जो आप बता रहे हैं, जो मैंने बताया, तो 28,500 का स्टूडियो। ये नया मॉडल जो आया, पहले किलर नाम की स्टूडियो डाल दी। और ये एम्प डाला आपने, ये कौन सा? सर्विन वेगा। ये अच्छा ब्रांड है क्या? बहुत अच्छा ब्रांड है। तो कितने का है ये टोटल, अगर म्यूजिक सिस्टम की बात करते हैं पूरा सेटअप? मुझे पूरा सेटअप 70-80,000 का। 70-80,000 का म्यूजिक ये। वैसे भाई एक चीज बताता हूँ मैं आपको, जैसे इसमें 17 इंची का अलॉय व्हील डाल दिया ना भाई ने, तो मतलब यार व्हील्स का बहुत फर्क पड़ता है। इसकी हैंडलिंग और राइड क्वालिटी बहुत इंप्रूव होगी क्रेटा की। बेस मॉडल में इतना स्वाद आता नहीं चलाने में, लेकिन इसको मजा आता है ड्राइव करने में। अभी अंधेरी नगरी में पहुंच गए हम, क्योंकि निक्कू भाई का ये था कि रोशनी दिखाओ, HID जो हमने इसमें डाल लिया है। तो चलो अभी ये हाई बीम आप देख रहे हो, अब मैंने कर दी लो बीम। ये देखो यार HID का ना वो तो मस्त होता है थ्रो, लेकिन दिक्कत ये रहती है कि डिप्पर मारने में कामयाब नहीं है। दिन में जैसे हमारी तो आदत भाई, ऐसे डिप्पर मार के साइड हटा देते हैं लोगों को, ड्राइवर को जो रॉन्ग वे आ रहे होते हैं। तो क्या होता है ना, इनमें क्या है कि 10-15 सेकंड ही लेते हैं अपना जलने में। तो इसका अभी अगर मैं आपको फोग लैंप्स, देखो लाइट बंद है, यहाँ से फोग लैंप्स के ऑन होते हैं जब लाइट के साथ ही होंगे। तो अभी देखो फुल हाई बीम और अब उजाला देखो आप। HIDs का वो तो रहता है, लेकिन फिर एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है कि जो सामने से व्हीकल आ रहा होता है ना, अगर ये हाई बीम पे चलेगा तो फिर बहुत आंखों पे लगता है। ये देखो इस तरीके से मुझे भी अपनी क्रेटा में से काम करवा रहे हैं। मतलब मैं एज अ कस्टमर आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं कहाँ पे आऊँ, कहाँ पे पड़ती है आपकी दुकान? करोल बाग, निक्कू कार डेकोर, 16/27 अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग में। और नहीं तो नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो भाई, जो लोकेशन होगा लोकेशन होगा के आ सकते हैं। चलो ये थी भाई वीडियो, देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।